नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर कर्ज से परेशान कैफे संचालक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो में आत्महत्या करने की वजह बताई है। दो व्यक्तियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, कहा पहले परिचितों से रुपए दिलवाएं, अब रेप के मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। दोस्त को ये वीडियो भी भेजा है और उसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। नवलगढ़ के कुमावास गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दो लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कहते हुए युवक ने पहले वीडियो बनाया और उसमें बताया कि आखिर वो सुसाइड क्यों कर रहा है। जहां पर युवक ने बताया है कि पहले उसे रुपए दिलाए गए, फिर रेप के आरोप में फंसाने की उसे धमकी दी गई। इन्हीं बातों को लेकर युवक लंबे वक्त से परेशान था, डिप्रेशन में था और इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भर्तियों के अटके परिणाम जल्द जारी होने की संभावनाएं हैं, जल्द परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद परिणामों को तैयार किया जा रहा है। चयन बोर्ड की टीम परिणामों को तैयार करने में जुट चुकी है। सबसे पहले सीईटी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, फिर लंबित 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम चयन बोर्ड की ओर से जारी किए जाएंगे। 20 जून से पहले सभी लंबित परिणाम जारी करने का टास्क दिया गया है बोर्ड को। सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती का परिणाम आएगा, फिर बाकी बची 6 भर्तियों के परिणाम भी जारी हो जाएंगे। तो लंबे वक्त से परिणाम अटके हुए हैं, इनका इंतजार अभ्यर्थियों को। और इस बीच बड़ी राहत की बात यह है कि अब इसे लेकर कवायद तेज कर दी गई है और जल्द ही परिणाम जारी किए जाएंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर बता रहे हैं, भर्तियों के अटके परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। और अब बात प्रदेश में पड़ रहे भीषण गर्मी की करेंगे, जहां पर गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है और आज से नौतपा शुरू हो चुका है। पारा 50 डिग्री के पार जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज प्रदेश के 12 जिलों में रेड अलर्ट है, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 10 जिलों में येलो अलर्ट है। कई इलाकों में सीवियर हीटवेव चलने के भी आसार हैं। नौतपा में हीटवेव को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। आपदा राहत विभाग ने हीटवेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है और प्रदेश में हीट स्ट्रोक से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी सतर्क रहें, धूप से हीट वेव से अपना बचाव करें, घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही दोपहर में निकलें और अगर निकल रहे हैं तो पानी का सेवन करते रहें, पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, मुंह को ढककर जरूर निकलें। तो पारा अभी और बढ़ने वाला है, नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। 25 मई से 2 जून तक 9 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है। ये वो 9 दिन है जब सूरज पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है और इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर प्रदेश के कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जानलेवा गर्मी के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात हालांकि ये है कि सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। भीषण गर्मी से हाहाकार, राहत के नहीं आसा, लू के थपेड़ों से लोग हल्का, अब तक 14 लोगों की गई जान। प्रदेश में आसमान से बरसती आग लोगों की जान लेने पर आमदा है। तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेचैन हैं। कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान पर बनाई है। बाड़मेर 5, जालौर 5, जैसलमेर 1, कोटा 1, पाली 2। जिला स्तर कल तो 2 पेशेंट आए थे, एक तो ब्रोडेड आए थे अपने पास और एक अपने पास जो ट्रीटमेंट करके फिर उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे तो उसको अपन ने रेफर कर दिया, तो जोधपुर रेफर है। आज टोटल 9 मरीज आ गए, जिसमें 2 ब्रोडेड आए और 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट, 2 का तो अभी इमरजेंसी में अभी आए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 4 अपने एडमिट हैं और एक को अपन ने रेफर किया।
मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी और सताएगी। ऐसे में रात और दिन के पारे में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी, यानी प्रदेश में कई जगह पारा 50 डिग्री पार पहुंच सकता है। हालांकि 28 मई के बाद हीट वेव का असर थोड़ा कम जरूर होगा। कहर बरपाती गर्मी को देखते हुए सूबे की भजन लाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तेज धूप और गर्मी के चलते कहीं पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बेकाबू हों, उससे पहले भी भजन लाल सरकार ने एहतियात वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए इन महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आसमान से बरस रही आग से निपटने में शासन प्रशासन को पब्लिक के सपोर्ट की भी जरूरत है। इसीलिए गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और बालोतरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बजरी माफियाओं ने डीएसटी टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर लेकर चालक मौके से फरार है। पाली पुलिस के सहयोग से 4 बजरी से भरे डंपर पकड़े गए। पाली के जयपुर थाना पुलिस ने डंपर पकड़े हैं। समदड़ी थाना क्षेत्र के देवंडी के पास ये घटना घटी है। डीएसपी नीरज शर्मा और थाना अधिकारी गीता चौधरी मौके पर पहुंच चुकी हैं। तो बजरी माफिया बेखौफ हैं, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। डीएसपी नीरज शर्मा और थाना अधिकारी गीता चौधरी मौके पर पहुंच चुकी हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है और कोशिश ये भी कि फरार चालक को पकड़ लिया जाए। हालांकि 4 डंपर को जब्त कर लिया गया है और आगे पूरे मामले पर जांच जारी है। तो पाली पुलिस के सहयोग से 4 बजरी से भरे डंपर को पकड़ा गया है। और वो करेंगे चुनाव से जुड़ी मिल रही बड़ी खबर का। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, तो हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग पर और प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, सुनाते हैं। मैम, दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे तो आप बता सकते हैं। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग थी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू से बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे किले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने खुले रास्ता बनाया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, जो जीत का दम भरती हुई नजर आई। और उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दिल्ली में भी वोट कास्ट हो रहे हैं। सभी 7 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान किए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर इंडिया गठबंधन अलायंस की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हक में वहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि जीतेगा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है 400 प्लस का एनडीए के साथ। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो जीत किसके झोली में जाता है, कौन जीत का स्वाद चखता है और कौन हार का। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन अलग अलग प्रदेश में लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश की
14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, तो दिल्ली के सभी 7 के 7 सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से कि कैसे दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां पर सुबह से ही जो दिग्गज कैंडिडेट चुनावी मैदान में है वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली के पोलिंग बूथ पर पहुंची। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग की जा रही है, अनंतनाग और राजौरी सीट पर वहां पर वोटिंग की जा रही है, तो हरियाणा की भी सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और दिल्ली में सुबह से जो नेता है मंत्री है वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, ये 6ठा चरण है। इससे पहले 5वें चरण की बात करें तो 80% लगभग वोट पड़ चुके हैं और 2 और चरणों में 100% मतदान होंगे और उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो दिग्गज चुनावी रण में जो है ताल ठोक रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए उनकी भी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से, जहां करनाल में मनोहर लाल खट्टर का सामना दिव्यांशु बुद्धि राजा से है, तो उज्ज्वल रमन सिंह बड़े चेहरे के तौर पर इलाहाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। 3 पूर्व सीएम जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो अपने किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गज चुनावी रण में वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर रामनाथ कोविंद ने भी अपना वोट कास्ट किया है। हरदीप सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट की दुनिया से भी जो फिल्मी स्टार्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो महालोकतंत्र और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है और यही वो समय है जब आप अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं, अपने पसंदीदा नेता को अपने वोट के जरिए चुन सकते हैं। तो घर पे मत बैठे रहिए, घर से बाहर निकलिए और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ये अपील की। देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम को आप सुन रहे थे जो लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज उनकी रैलियां होने वाली हैं। वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा और उससे पहले लगातार तीसरी बार वहां से चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का दम भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है कि एक बार फिर से उन्हें वाराणसी से सांसद चुना जाए। तो 6वें दौर में लगातार चुनाव प्रचार के लिए मतदान किए जा रहे हैं, चुनाव के लिए वहां पर वोटिंग जारी है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और कई दिग्गज लगातार अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद वो बाहर से निकलती हुई दिल्ली से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर अपने पोलिंग बूथ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। हालांकि इस बार कांग्रेस की ओर से वहां पर कोई खड़ा नहीं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया है इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, ये दावा किया जा रहा है। तो एक और जहां बीजेपी 400+ का नारा देते हुए
ये दम भर रही है कि इस बार बंपर वोटों से एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन को रिस्पॉन्स अच्छा है और भले ही बहुत ज्यादा वोट ना मिले लेकिन बीजेपी को हरा देंगे। तो राहुल गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकलते हुए, और मुद्दे अलग अलग हैं। मायने ये रखता है कि जहां पर चुनाव पड़ रहे हैं क्या वहां पर लोकल मुद्दे हावी हैं या नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दे उन्हें देखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से अलग अलग मुद्दे उठाए गए, फिर चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर निर्माण हो, तीन तलाक हो या फिर कोई और, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि जीत उसकी होने वाली है क्योंकि उन्होंने काम किया है, विजन 2047 लेकर आगे चल रही है और जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। तो वहीं इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि जीत इस बार उसकी ही होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिल्ली से सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की ये तस्वीर। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना वोट कास्ट किया था और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपना अपना वोट कास्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से, किस तरीके से महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो पांचवें चरण के बाद 428 सीट पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज छठवें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और अमित शाह ने पांचवें चरण के वोटिंग के बाद ही बड़ा दावा कर दिया है कि 310 सीटें हम जीत चुके हैं। ये पांचवें चरण तक की बात कर रहे हैं अमित शाह, ऐसे में बड़ा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है और 400 प्लस का नारा लगातार एनडीए की ओर से दिया जा रहा है। अब देखना है कि आखिर जीत किसके झोली में जाती है। जो दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए 400 प्लस करेगी, 400 पार सीटें क्या लेकर आ पाती है एनडीए, ये फैसला 4 जून को सामने आएगा। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं बासुरी स्वराज का सामना नई दिल्ली में हो रहा है सोमनाथ भारती से, आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी चुनावी मैदान में है। कहां कहां वोटिंग की जा रही है ये भी ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं वो आंकड़े कि अभी कहां कहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जो कि शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। और न्यूज 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। पीएम ने कहा, न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। तो एक बार फिर से न्यूज 18 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बातचीत की। मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह बड़ा दावा किया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बेबाक अंदाज सामने आया जहां पर उन्होंने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बातचीत की और पीएम मोदी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप न देते हो, न सोऊंगा न सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है। हम लोग उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही।
लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं, न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। और वो करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर देर रात तक चलने वाले क्लब्स पर पुलिस की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कमिश्नरेट की ओर से कार्रवाइयां की गई हैं। रात 12 बजे के बाद भी आदर्श नगर और अन्य इलाकों में क्लब्स चल रहे थे। क्लब्स में नियम विरुद्ध देर रात तक डांस चल रहे थे और बियर बार भी खुले हुए थे। तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को क्लब से पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से निर्देश दिए गए हैं देर रात तक चलने वाले क्लब पर कार्रवाई करने के, और उसी निर्देश के आधार पर पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर एडिशनल डीसीपी प्रदीप यादव और रणवीर मीणा ने इस कार्रवाई की अगुवाई की और कई क्लब पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और बात एक बार फिर से मौसम की कर लेते हैं। पूरे देश में गर्मी का प्रकोप है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी गर्मी चरम पर है। कई जिलों में तापमान 46 डिग्री को पार कर चुका है। अगले कुछ दिनों में राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। इसी को देखते हुए भीलवाड़ा के दूधाधारी मंदिर प्रशासन ने मंदिर में एसी लगवा दिया है, ताकि भगवान को गर्मी से राहत मिल सके। साथ ही भगवान के श्रृंगार में भी बदलाव किया गया। इस विशेष श्रृंगार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन की खास तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आप भी देखें। तो दिखाएंगे आपको और सुनाएंगे क्या कह रहे हैं वहां पर पहुंचे श्रद्धालु, क्योंकि भगवान का ये नया रूप देखकर जो श्रद्धालु हैं वो मनमोहित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के नए रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान को गर्मी ना लगे ऐसे में मंदिर में एसी की भी व्यवस्था की गई है और पोशाक में भी बदलाव किया गया है। तो वहीं उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और विश्व प्रसिद्ध झील फतेह सागर पर इन दिनों सुबह सुबह मेले जैसा माहौल नजर आता है। भीषण गर्मी के दौर में फतेह सागर झील पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या बढ़ी है, तो वहीं झील में तैराकी करने वाले भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह फतेह सागर झील में सैकड़ों की तादाद में लोग तैराकी करते नजर आते हैं। यही नहीं, गर्मियों की छुट्टियां होने के चलते इन दिनों फतेह सागर झील में नन्हे तैराकों की भी संख्या बढ़ गई है, जो यहां अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं।